हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर सैंडविच की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास होममेड पनीर है जो कि मैंने घर में तैयार किया हुआ है। और यहाँ देखिए, एक मीडियम साइज अनियन, थोड़ा सा मैंने अदरक को जो कि मैंने ग्रेट करके रखा है, फ्रेश कोरिएंडर, 2 मीडियम साइज पोटैटो को मैंने बॉयल करके पील कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास है एक ही ग्रीन चिली जो कि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मिर्ची का यूज़ कम कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो हैं, इसको मैं हाथ से ही ऐसे तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। रफली मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर हाथ से इसको अच्छे से आपको मैश करना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ग्रेटेड जिंजर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आइए अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये मैं ब्लैक पेपर मैंने डाल रही हूँ, और फ्रेश ऑरिगेनो, ये मेरे पास मिक्स हर्ब्स है, ये मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अब इसके ऊपर मैं हाथ से स्प्रेड कर दे रही हूँ। हाथ से डालने पर ये पूरी तरीके से अच्छे से सब जगह फैलता है। इस तरह दूसरे ब्रेड पे भी मैं डाल दे रही हूँ। अब दोनों साइड को ऊपर से ढक देते हैं। अब ये देखिए, मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड का या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से फैला देते हैं। आइए अब दोनों साइड से अच्छे से सेंक लेते हैं इसको। तो दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक हमें इसे सेकना है। आइए इसको पलटते हैं। देखिए, एक साइड से कितना अच्छा सेक गया है। अब इसको भी पलटते हैं। वाओ, मेरे बेटे को पनीर सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं बना रही हूँ तो क्यों ना सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। इसको मुझे थोड़ा सा क्रिस्प होने तक इसको सेकना है। अब जैसे ही सेक जाता है मैं गैस बंद कर देती हूँ, और आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, तैयार है मेरा पनीर सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।